फोक आर्ट। फोक आर्ट एक पर्टिकुलर कंट्री की, एक रीजियन की ट्रेडिशन होती है। कोई एक पर्टिकुलर रीजियन की पीपल, उनका कल्चर रिप्रेजेंट करती है फोक आर्ट। ये फोक आर्ट लेके मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत काम कर चुकी हूँ, बहुत दिन से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ। ऐसी एक बहुत ही पॉपुलर फोक आर्ट है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बंगाल एंड नेपाल की जो मिथिला रीजियन है, ये आर्ट वहाँ की है। तो ये बहुत ही कलरफुल है, डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स फिगर, ह्यूमन फिगर्स, डिफरेंट ओकेशन रिचुअल्स, ये मधुबनी पेंटिंग में कवर होती है। एट्रैक्टिव जियोमेट्रिक शेप्स, एट्रैक्टिव कलर यूज होता है, बहुत ही कलरफुल होता है ये मधुबनी पेंटिंग। ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी एक मधुबनी पेंटिंग की पीस शेयर करने जा रही हूँ। ये एक है जो देखिए, मैं ये एक पिलो कवर के ऊपर बनाई हूँ इसको। आप लोग इसे कुशन कवर के ऊपर, टेबल क्लॉथ, बेडशीट के ऊपर भी बना सकते हो। ये कलर के ऊपर, इस टाइप का कलर के ऊपर, दूसरे टाइप के कलर के ऊपर, आप जरूर इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है। बाय द वे, आई एम चैतली एंड आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल एंटिक कॉलेज में। एंटिक कॉलेज को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको मोर पीपल के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन प्रेस करने से मेरा जो भी वीडियोज अपलोड होगा वो आपके साथ, आपके पास पहुंच जाएगा जल्द से जल्द। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास ये एक येलो कलर की पिलो कवर है, इसको मैं ऑनलाइन परचेस की हूँ। पहले इसके ऊपर ड्राइंग करना होगा। पहले एक वाइट आर्ट पेपर के ऊपर मैं ये ड्रॉ कर चुकी हूँ। दो बार्ड्स है इसमें, मधुबनी आर्ट के ऊपर है। ऐसे इसका जो बैक साइड है, इसमें मैं ऑलरेडी कार्बन पेपर सेलो टेप से अटैच कर चुकी हूँ। इसको पिलो कवर के ऊपर मैं ट्रेस कर लूँगी। डायरेक्टली पिलो कवर के ऊपर इस टाइप का ड्राइंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं पहले इसको आर्ट पेपर के ऊपर ड्रॉ कर ली। पिलो कवर के ऊपर कार्बन पेपर से ये ट्रेस कर ली। अगर आप लोगों को ड्राइंग नहीं आता है तो नेट से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके फिर प्रिंट लेके उसको क्लॉथ के ऊपर ट्रेस कर सकते हो। एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ मैं, पैरेट ग्रीन कलर एंड नंबर 6 राउंड ब्रश। यहाँ पे राउंड ब्रश यूज होगा, आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो। थ्रू आउट द पेंटिंग मैं बस दो ही ब्रश यूज की हूँ, एक नंबर 6 राउंड ब्रश एंड एक 000 राउंड ब्रश। रेड एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ एंड सेम नंबर 6 राउंड ब्रश। ये जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, पतला नहीं है, तो इसके नीचे कार्डबोर्ड हो, पेपर हो, प्लास्टिक शीट्स हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ लीव्स के लिए। ऑरेंज एक्रेलिक कलर एंड सेम राउंड ब्रश नंबर 6। ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, कोई भी कलर आप अपने पसंद के अनुसार यूज़ कर सकते हो। मरीन ब्लू एंड स्काई ब्लू यूज़ करके पंख बनाएंगे। रेडीमेड पिलो कवर के ऊपर अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कार्डबोर्ड हो, जो भी आप प्लेस कर रहे हो, वो दोनों तरफ की जो कपड़ा है उसके बीच में आना चाहिए, नहीं तो सामने का वाला जो कलर है वो पीछे के हिस्से में लग जाएगा। सो वो बीच में आपको घुसाना होगा, वो कार्डबोर्ड हो, प्लास्टिक शीट हो, जो भी आप ले रहे हो। पैरेट ग्रीन कलर आँख का एकदम बीच में वाइट कलर से डॉट दे देंगे, चारों तरफ ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे। छोटे छोटे फ्लावर्स है, बीच के पोर्शन में व्हाइट कलर यूज करेंगे एंड रेड कलर से पेटल्स बनाएंगे।
मधुबनी पेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन होता है, तो ये लिप्स एंड बाकी के पोर्शन को भी ब्लैक कलर से आउटलाइन करके फिर इसका फिनिशिंग टच देंगे। ये जो ब्लैक कलर, ये बहुत ही आपका पतला ब्रास, थिन ब्रास यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैं 000 राउंड ब्रास से ये ब्लैक कलर का आउटलाइन की हूँ। ये येलो डॉट्स फ्लावर्स को और भी कलरफुल और एट्रैक्टिव फिनिशिंग देगा। नेक पोर्शन में जो डिज़ाइन है, इसके लिए रेड, लेमन येलो एंड स्काई ब्लू यूज़ कर रही हूँ। अभी ये ब्लैक कलर और 000 जो राउंड ब्रश है, इससे पूरा पेंटिंग का आउटलाइन कर। फर्स्ट पैरेट कंप्लीट हो जाने के बाद सेकेंड पैरेट को कलर करना है। बहुत ही एक सिंपल बॉर्डर मैं यहाँ पे बनाई हूँ, इसको वाइट और रेड से कलर करेंगे, फिर ब्लैक कलर से आउटलाइन दे देंगे। ये बॉर्डर ये पेंटिंग को और भी ब्यूटीफुल लुक देगी। बस बॉर्डर का ये पोर्शन कंप्लीट होने के साथ साथ पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्रिलिक कलर के बदले में आप लोग फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आजकल फैब्रिक कलर मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक्रिलिक कलर ज़्यादा इजी अवेलेबल है, ऑनलाइन हो, लोकल मार्केट में हो, एक्रिलिक कलर आजकल ज़्यादा बिक रहे हैं। मेरी पिलो कवर रेडी है, दो ब्यूटीफुल पैरेट्स मधुबनी पेंटिंग के ऊपर। आप लोग ये वीडियो एंजॉय की हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है एंटिक कोलाज। सारे नेटवर्किंग साइट्स की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा हुआ। और अगर कुछ हेल्प चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो मैं जल्द वापस आने वाली हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ रहिए और क्रिएटिव रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।